मुझे कोई लाइक नहीं करता, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। काफी लोगों को ऐसा एक बिलीफ रहता है दिमाग में कि मुझे कोई लाइक नहीं करता, एक उनका वो पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, एक ये पर्सनैलिटी का अंग हो जाता है बिलीफ, उनको लगता है कि लोग मुझे लाइक नहीं करते। उसमें फिर ऐसे लोग इंट्रोवर्ट रहते हैं, इंट्रोवर्ट मतलब अकेला रहना, अकेले रहने में पसंद करना, पढ़ाई ज़्यादा, किताबें पढ़ना और कमरे में अकेले बैठना, ज़्यादा मिक्स नहीं होना। तो ये जो लोग हैं ऐसे कि जो लोग लोगों के ऊपर जलन भी करते हैं, जलते भी है लोगों के ऊपर, और लोग लगता कि उसको लाइक करते हैं, उसको लाइक करते हैं, उसको देखो अच्छा बोलते हैं, मेरे को कोई अच्छा बोलता नहीं। अब ये जो पर्सनैलिटी है, ये पर्सनैलिटी डिप्रेस्ड होने के चांसेस पूरे पूरे, धीरे धीरे ये लोग डिप्रेस्ड होना शुरू होते हैं और मालूम भी नहीं पड़ता कि ये डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं। इनमें फिर क्या होता है, धीरे से फटीक साइंस चालू हो जाती है। फटीक के मतलब थकान, इतनी थकान आती है कि कोई काम न करने के बावजूद भी उनको लगता है कि अपन थक गए हैं, उनको बेड से उठकर कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं होती, बहुत ज़्यादा फटीक और थकान होती है। एक तो फिर क्या होता है कि अकेले अकेले रहना, मुझे कोई लाइक नहीं करता, ये पीछे चालू है बिलीफ। फिर ये लोग ज़्यादा खाना करते हैं, ज़्यादा खाएंगे, बहुत ज़्यादा खाएंगे, मोटे हो जाएंगे, तो चॉकलेट ज़्यादा खाना, मीठी चीज़ें ज़्यादा खाना, नूडल्स और सब जंक फूड जो है वो ज़्यादा खाना, ये हो सकता है। या फिर कुछ लोग खाना ही खाते नहीं है, भूख निकल जाती है उनकी, ऐसा भी हो जाता है कुछ लोग। फिर अकेले बैठने के बाद में वो लोग ऐसे उनके इमोशंस जो है वो ऐसे फ्लैट हुए रहते, एक तो फ्लैट है, कोई खुशी नहीं, कोई हंसना नहीं, हंसी मजाक नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा थोड़ी बातें के ऊपर ये लोग रोना चालू कर देंगे, बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं। थोड़ा कुछ बोल दिया कि बस बिल्कुल जैसा कि एक पानी का टैंक भरा हुआ है यहाँ, और बस कुछ हो गया कि फरभर भरभर पानी आना चालू हो जाता है, तो जल्दी रोना, सेंसिटिव होना। और ये लोग खुद को ब्लेम करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेम करना, मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे से कोई प्यार नहीं करता, खुद का वो मत्सर करते हैं, खुद का ही द्वेष करना चालू करते हैं, अपने लुक के ऊपर उनको अच्छा लगता नहीं कि मेरा लुक अच्छा नहीं है, मेरे आजू बाजू के जो लोग हैं वो जो है वो मेरे ऊपर प्यार नहीं करते, वो मेरी तरफ ख्याल देते नहीं, कोई मुझे अप्रिशिएट ही नहीं करता, ऐसा उनको लगता है। उनको काफ़ी इनसिक्योरिटी लगती है, इनसिक्योर मतलब सेफ नहीं लगता उनको, अलग कुछ तो भी हो जाएगा अपने को। और फिर ये सब होने के बाद में इतना खुद का हेट करना, खुद का द्वेष, गुस्सा खुद का, या ब्लेम करना खुद को, फिर कभी कभी उनको लगता है कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, और वो कभी एट द स्पर ऑफ द मोमेंट एक झटका ऐसा आ जाता है कि वो खुदकुशी कर लेते हैं। हमको मालूम ही नहीं पड़ता कि इसको हुआ क्या, खुदकुशी किया ही क्यों, कुछ कारण दिखता नहीं और खुदकुशी कर लेता है वो। मतलब क्या होता है कि वो बहुत मतलब फुगे में बहुत हवा भरी जाती है, बहुत हवा भरी जाती है, फिर इतनी ज़्यादा हवा भर जाती है कि एक दिन वो फुगा फूट जाता है, जैसा गुब्बारा फूट जाएगा वैसा हो जाता है। तो ये जो लोग हैं इनके ऊपर फैमिली मेम्बर ने ख्याल देने को होना कि वह अकेला अकेला रहना चालू किया है, ज़्यादा समय पढ़ाई में बिता रहा क्या, किताबें पढ़ रहा क्या, व्हाट्सएप और मोबाइल में ज़्यादा जा रहा है क्या, फिर कुछ पढ़ा नहीं है ज़िंदगी में, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता है, मुझे कोई अप्रिशिएट, ऐसे इस तरह के वाक्य बोलता है क्या, सेंटेंसेस, थकान बहुत ज़्यादा है क्या, ऐसी एनर्जी लेवल उसकी कम दिखती है क्या, कि बहुत एनर्जी लेवल कम है, जुनून जोश ऐसा कम दिखता है क्या। तो ऐसे लोगों को आप आइडेंटिफाई करते हो, उनको सपोर्ट करना, उनको काउंसिलर के पास में लेके जाना, तो आगे जो हमको दिखता है कि फिर खुदकुशी कर लिया या एकदम ही डिप्रेस्ड हो गया तो वो टल सकता है। हमारा जो मकसद है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, मनोविकास करना और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आप भी जुड़ जाइएगा। ये वीडियो ज़्यादा से लोगों को शेयर करो, बहुत लोगों की ऐसी पर्सनैलिटी है जो आगे जाके डिप्रेस हो जाते हैं, तो उनको ये काम में आएगा, वो सपोर्ट लेंगे। हमने ये हफ्ते में काफ़ी वेबिनार्स आयोजित किए हैं, फेसबुक के ऊपर लाइव है, यूट्यूब के ऊपर लाइव है, जूम के ऊपर लाइव है, तो आप हमारे जो काउंसिलर्स है उनसे कॉन्टैक्ट करके आप लिंक बुला सकते हैं और मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। लाइव यूट्यूब है, तो जो भी अभी वेबिनार्स ये हफ्ते में है उसमें आप हमारे से जुड़ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।